रेलवे स्टेशन, भगवान की बोली, 25,000, 30,000, 50,000, चोरी माँ केवल हमारी सरकार एक्सप्रेस के रास्ते में बड़ी चोरी अरे तू मारे से पहले लूटे से पहले वार्निंग में देना शौक है। 25 सालों में इतना सारा क्राइम लिटरेचर देख लिया। अब अच्छा है, सब लौंडा लोग ना भी देखत है, लेकिन प्यार मोहब्बत जैसी घटिया बेकार बात कर रहा था। अपनी मेहनत की कमाई हुई दौलत तोहका काहे दे? ये स्टुअर्ट पूरम हमार है, तो यहाँ आवे वाली दौलत तुम्हारी कैसे हो गई? स्टोटपुरा में भगवान की बोली भी हमारा ही है। और उसको शूट साइट ऑर्डर तैयार कीजिए। अब तू जेल जाए, फिर तो स्टुअर्टपुरम में पैर नहीं रख पाएगा। ही गॉट कॉट, अब क्या? पूरम नागेश्वर राव की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई सर, लेकिन टाइगर नागेश्वर राव की कहानी यहाँ से शुरू होती है। चौबीस लोगों को क्यों मारा? इसको एनकाउंटर करने से पहले एक बात पता करना है। हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन ग्लोब फिल्म्स में। दोस्तों, टाइगर नागेश्वर राव जो कि अब रिलीज हो चुकी है पूरे पैन इंडिया तौर पर, जिसमें कि आपको तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम सभी भाषाओं में रिलीज हुई है। दोस्तों, टाइगर नागेश्वर राव एक 2023 तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो वामसी द्वारा लिखित और निर्देशित और अभिषेक अग्रवाल द्वारा निर्मित है। फिल्म में मुख्य तौर पर अनुपम खेर, नुपुर सेनन जो कि अपनी पहली फिल्म में ही काम कर रही हैं, रेणु देसाई, जिशु सेन गुप्ता, गायत्री भारद्वाज और मुरली शर्मा के साथ रवि तेजा मुख्य भूमिका में हैं। दोस्तों, इस फिल्म की कुल लंबाई 182 मिनट है और टोटल बजट जो इसका है वो 50 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म बनी है। और फिल्म आलोचकों की नकारात्मक समीक्षाओं के साथ यह पूरी दुनिया में फिल्म रिलीज हो चुकी है, जबकि फैन फॉलोइंग इसकी इतनी ज़्यादा है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर निश्चित रूप से होने जा रही है। दोस्तों, इसका मैं सार थोड़ा स्टोरी में आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको भी इस फिल्म के प्रति उत्सुकता जगे। दोस्तों, 1970 के दशक के दौरान टाइगर नागेश्वर राव एक चोर है जो स्टुअर्टपुरम में आतंक के दायरे पर हावी है और साहसी डकैतियों की एक श्रृंखला का मास्टरमाइंड से पहले एक बात पुलिस को चकमा देने को सरल तरीके स्थानीय केवल गलती बन गए हैं। कहानी का बाकी हिस्सा टाइगर की रोमांचक भागदौड़ और उसके और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली के दिलचस्प खेल के इर्द गिर्द घूमती है कि किस तरह से पुलिस उसके पीछे घूमती है, भागती है और ये पुलिस के आगे आगे, मतलब कि पुलिस के पकड़ में टाइगर नागेश्वर राव कभी आता नहीं है। और पुलिस के अलावा भी इसके अपने भी दुश्मन बहुत सारे उन्हें पाल लिए हैं, जो कि दोनों इसके पीछे हमेशा के पड़े रहते हैं और ये भागते भागते परेशान रहता है। दोस्तों, टाइगर नागेश्वर राव के रूप में रवि तेजा काम कर रहे हैं, अनुपम खेर आईबी अधिकारी है जो कि राघवेंद्र राजपूत के रूप में काम कर रहे हैं, नुपुर सेनन सारा के रूप में है जो कि टाइगर की प्रेमिका के रूप में काम कर रही है, हेमलता लवनम के रूप में रेणु देसाई है, सीआई मौली के रूप में जिशु सेन गुप्ता है। दोस्तों, इतनी सारी बातें तो मैंने बता दी है, कुछ अपडेट्स मैंने दे दिए, कुछ हिडन फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो निश्चित रूप से लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें।